तो भगवत गीता शुरू करने के लिए सबसे पहले तो हम कृष्ण जी को नमन करेंगे, वेद व्यास जी का नमन करेंगे और अर्जुन का भी करेंगे। ना अर्जुन परेशान होता, ऐसे सवाल पूछता, ना हमें भगवत गीता मिलती है ना। तो इसलिए हम आज भगवत गीता का शुरुआत करेंगे। और इससे पहले कि हम शुरू करें, देखिए सबसे पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि हमें भगवत गीता जाननी क्यों, व्हाट इज द पर्पस, है ना। जैसे आप लोग स्कूल जाते हो ना, क्यों जाते हो स्कूल? पढ़ने पढ़ने के लिए, है ना। और क्यों पढ़ना है? के ताकि फ्यूचर अच्छा हो। बहुत अच्छी बात नहीं? तो अब हम भगवत गीता जब पढ़ रहे हैं उसका क्या पर्पस है, उससे क्या होगा, बताओ। आपकी लिए। लाइफ मैनुअल है, ओके, वेरी नाइस। और बताओ, इसको इलाबोरेट करो, तो वो हमें कैसे हेल्प करेगा, लाइफ मैनुअल? अरे वाह, वेरी गुड। तो भगवत गीता पढ़ने से प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन मिलेंगे और मन को शांति मिलेगी। और कौन बताएगा क्यों पढ़नी है भगवत गीता? बड़े भी बता सकते हैं। जीवन का उद्देश्य मिलता जीवन का उद्देश्य मिलता है, ओके, बहुत अच्छे। कि हमारा जीवन का उद्देश्य क्या है, बहुत अच्छी बात आपने ये बोली। ऑल्सो, आई थिंक ये हमें बाउंड्रीज भी बताता है कि हमारे लाइफ में आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, ओके ये भी चीज है। ओके हाँ, तो निष्काम हमें कर्म जीवन करें, कैसा जीना है और मर्यादा में और कैसे दूसरों के साथ रहना है वो भी बताता है। हाँ जी, निष्काम कर्म करने की प्रेरणा देता है। निष्काम कर्म करने की प्रेरणा देता है। बहुत अच्छी बात आपने बोली। गीता का जो एक मैसेज, वो जो है ना, एक वो श्लोक, करते थे कर्माणि, हाँ, करना कर्मण्येव माधिकारस्य मा करना फलेषु कदाचन, बिल्कुल बिल्कुल। तो हमें निष्काम कर्म कैसे करना है और निष्काम कर्म भी क्यों करना है। अच्छा ये बताइए, हमें क्यों रिलैक्स होना है माइंड को, क्यों हमें प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन चाहिए, क्यों हमें निष्काम कर्म करना है, उसका भी कोई पर्पस है क्या? निष्काम कर्म करने से ही फल मिलेगा। फल की इच्छा से निष्काम कर्म कर ही नहीं सकते हैं। हाँ, फल की इच्छा करते हुए निष्काम कर्म नहीं कर सकते। बिल्कुल आज का युग जो है वो फल की इच्छा करते हुए कर्म करता है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत अच्छा आप सबने बताया, बहुत अच्छे आपकी वो है। तो हमें भगवत गीता, आप लोगों ने बहुत अच्छे आंसर्स दिए हैं, तो फिर भी हम एक समझते हैं कि जब हम ये जो जीवन जी रहे हैं, हमारी जो लाइफ चल रही है, एक चीज जो सबकी बड़ी कॉमन है वो है दुख, जिसको हम बोलते हैं सफरिंग। ये बात है ना, हम लोग सब चाहते हैं कि हमारा जीवन बहुत अच्छा जाए, हम लोग हमेशा सुख पे रहे, खुश रहे, हमें कभी कोई परेशानी नहीं आए। लेकिन क्या ऐसा होता है? कभी अभी कभी नहीं होता है ना। दुख आते ही रहते हैं, सफरिंग आती ही रहती है। तो क्या इस दुख का कोई ऐसा इलाज है कि हमें दुख कभी ना हो, या हम उस दुख के लिए दुख से आगे बढ़ जाए, दुख से ऊपर उठ जाए, क्या वो तरीका है? तो एक तो मनुष्य जो जीवन है उसमें हम देखते हैं दुख ही दुख है। और एक और चीज क्या आती है, जब हम अपने उपनिषद पढ़ते हैं तो हमारे उपनिषदों में तीन तरह के दुख बताए गए, ठीक है। तो एक दुख जो होता है उसको बोलते हैं अधि भौतिक दुख, एक होता है अधि दैविक, और एक होते हैं आध्यात्मिक। तो ये जो हमारे हैं, अब इनको समझ लेते हैं, हमारी जिंदगी इनके ही अराउंड रिवॉल्व करती है। तो आदि भौतिक दुख कौन से हैं? हमारे रोजमर्रा के दुख, कभी कोई चोट लग गई, कोई बीमारी, हेल्थ इश्यू आ गया है ना, कभी कोई हमारे फाइनेंशियल लॉस हो गया, जॉब चली गई, बॉस से लड़ाई हो गई, या हमारी फ्रेंड्स के साथ कोई प्रॉब्लम हो गई, या सडनली जैसे अभी बहुत बारिश आई तो कई लोगों के घर डूब गए, चलो वो तो दूसरे उसमें आएगा, पर बारिश आई, परेशानी हो गई, है ना। तो ये हमारे जो रोजमर्रा के हैं, कभी किसी से लड़ाई हो गई, कुछ हो गया, तो ये आदि भौतिक दुख है, रोज होते रहते हैं। फिर होते हैं आदि दैविक दुख, ये कौन से हैं? ये हैं जैसे अभी बहुत बारिश हुई, इतनी जो हमारे हाथ में नहीं है, दैविक मतलब जो हमारे हाथ के, देवी के प्रकोप से बोले, जैसे भी प्राकृतिक बोले, हाँ जी, प्राकृतिक दुख है ना, प्रकृति ने जो भी किया, जैसे कोरोना हो गया था, जो हमारे हाथ में नहीं है, वो दुख आते हैं। और हम इनमें उलझे ही रहते हैं। अगर ज्यादातर लोगों को पूछो कि आप मंदिर में क्यों जाते हैं, तो वो अपने आदि भौतिक दुखों का निर्वाण करने के लिए जाते हैं, कुछ मांगने जाते हैं। क्या मांगने जाते हैं?
अच्छा हमारी बेटी की शादी हो जाए, या हमारी बेटी की जॉब लग जाए, या बेटी की जॉब लग जाए, या प्रमोशन हो जाए, है ना, किसी का वीजा नहीं लग रहा है, अच्छा यहाँ पे हमारा वीजा लग जाए, या ये हो जाए, बेसिकली मांगने जाते हैं। क्या मांगने जाते हैं? कि जो भी हमारा दुख है वो समाप्त हो जाए। और इन सब दुखों में हम अगर कॉमन चीज देखेंगे तो हम चाह रहे हैं मुक्ति, किसी दुख से मुक्ति चाहते हैं हम। जैसे कि अगर मुझे पैसे की कमी है तो इसका मतलब मुझे ऐसा है कि मुझे, मैं गरीब गरीब नहीं, लेकिन मुझे एक दुख का एक्सपीरियंस होता है, अनुभव होता है कि मेरे पास पैसे कम है, तो मुझे उस दुख के अनुभव से मुक्ति चाहिए, है ना, कि मेरे पास पैसे कम है इसलिए हम चाहते हैं हमें और पैसा मिले, हमें और प्रमोशन हो जाए, जॉब अच्छी मिले जिसमें बहुत ज्यादा हमारी पेमेंट हो जाए। या फिर कोई अगर पेरेंट्स हैं जो चाहते हैं हमारी बेटी की शादी हो जाए, वो किस दुख से मुक्ति चाह रहे हैं? कौन सा दुख है उनका? भौतिक हाँ भौतिक दुख है, बिल्कुल आदि भौतिक में ही आता है, पर उनको ये परेशानी है कि अरे हमारी बेटी अगर है तो समाज में लोग क्या बोल रहे होंगे, तो वो समय समाज जो बोलता है उन चीजों से परेशान है ना, या फिर उन्हें लगता है कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो हम हर चीज में देखेंगे कि जब भी हम किसी दुख जाते हैं या भगवान के पास या मंदिर में, तो हम किसी दुख से मुक्ति चाहते हैं, ठीक है, कोई ना कोई दुख की मुक्ति। अब फिर हम आते हैं लास्ट में आध्यात्मिक दुख पे। आध्यात्मिक दुख जो होते हैं उसमें ये होता है कि मुझे किसी पर्टिकुलर दुख से मुक्ति नहीं चाहिए। अब क्या होगा, चलो ठीक है आज मेरी बेटी की शादी हो गई, उस दुख से निवृत्ति हो गई मेरी, ठीक है, अब कल एक और नया दुख आ जाएगा, अभी कल कुछ और हो जाएगा, पता लगेगा उसके हस्बैंड की जॉब चली गई, या उसको कुछ और प्रॉब्लम हो रही है, इन-लॉज की तरफ से प्रॉब्लम हो रही है, या उसको कुछ और दिक्कत है। दुख क्या समाप्त हो जाएंगे यहाँ पे शादी होने से? नहीं होंगे। लड़के की जॉब लग जाएगी, क्या दुख समाप्त हो जाएंगे जॉब लगने से? क्या होगा उसके बाद? नई प्रॉब्लम्स आएंगी, है ना, वहां पे बॉस के साथ प्रॉब्लम होगी, पता लगेगा जो साथ वाले लोग हैं उनके प्रमोशन में ज्यादा उनको प्रमोशन हो गई, आपकी नहीं हुई, कोई और दुख आ जाएगा। तो हमारे दुख तो कभी समाप्त ही नहीं होते। तो हम जब आध्यात्मिक दुख पे आते हैं, हमारे उपनिषद शुरुआत ही यहाँ से होते हैं, वो बोलते हैं तुम क्यों चाहते हो कि तुम्हारी एक पर्टिकुलर दुख से मुक्ति हो, तुम दुखों से ही मुक्ति लो, मतलब सारे दुख से मुक्ति, मतलब ब्लैंकेट जो है ना दुख से मुक्ति, ना कि इस दुख से मुक्ति, एक पर्टिकुलर दुख से मुक्ति, फिर एक और दुख से मुक्ति, फिर एक और दुख से मुक्ति। तो जब हम आध्यात्मिक मार्ग लेते हैं तो आ जाता है सभी दुखों से मुक्ति। और वो कैसे होता है? हमारी जो भगवद गीता है उसका भी मेन पर्पस यही है। जीवन का उद्देश्य क्या है? कि हम स्वयं को जान ले, और ये दुख क्यों है, इन दुखों का कारण क्या है? इस दुख का कारण ये है कि हम जो अपने आप को समझे हुए हैं हम वो हैं ही नहीं। अगर मैंने सोच लिया कि मैं मोनिका हूं, मुनि हूं, मैं ये शरीर हूं, और बस मैं साइकोलॉजिस्ट हूं, मैं ये हूं, अगर मैंने एक अपनी लिमिटेड डेफिनेशन बना ली और मैं उसी में रहती हूँ, यही मेरे दुख का कारण है, मुझे अपनी असलियत पता ही नहीं है। हमें जो नजर आ रहा है उसको हम सच मान रहे हैं, और जो हमें नजर और जो है असली में वो हमें पता ही नहीं पड़ रहा है। तो ये इवेंचुअल, ये बहुत ज्यादा लगता है कि ऐसे कैसे हो सकता है, यही तो है, लेकिन अध्यात्म का पर्पस यही है, स्वयं को जानना, खुद को जान लेना। ब्रह्मास्मि, हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल सही आपने बोला, अहम ब्रह्मास्मि, कि मैं कौन हूं और मैं वही ब्रह्म हूं, मैं और जो भगवान है। गीता जहां से शुरू होती है, देखिए हम दो गीताओं से करेंगे, एक है ये भगवद गीता श्री श्री परमहंस योगानंदा जी द्वारा दी गई है, गॉड टॉक्स विद अर्जुना, और एक मैंने ओशो की गीता उठाई है यहाँ पर, गीता दर्शन, इसके 8 वॉल्यूम्स हैं, तो इसके बारे में भी मैं आप लोगों को बताऊंगी। और ये जब गीता शुरुआत होती है तो इंट्रोडक्शन में यही आता है, क्या आता है कि जो स्पिरिट है, अगर हम बोले सुपर कॉन्शियसनेस है, या सिंपल अंडरस्टैंडिंग के लिए भगवान बोले, अगर हम ईश्वर बोले, वो जो है सुपर कॉन्शियसनेस, वो पहले नीचे आती है, उसका अवतरण होता है, ठीक है, तो वो नीचे आके अपने छोटा बन जाती है, वो अपने आप को ये शरीर मान लेती है, वो अपने आप को ये भौतिक ग्रॉस जगत में अपने आप को पाती है, और जब वो यहाँ पाती है अपने आप को, तो उसकी वजह से उसके जिंदगी में दुख आने लगते हैं, क्योंकि
अनलिमिटेड ने जो अनमैनिफेस्टेड है उसने अपने आप को क्या मान लिया है, मैनिफेस्टेड और लिमिटेड, एक शरीर मान लेता है वो अपने आप को। और इस संसार के अंदर जो अपने आप को समझने लगता है, और ये शरीर क्या है, क्योंकि ये शरीर की बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं अपने, इस शरीर को देखो ना, हम जैसे ही पैदा होते हैं दो चीजें हम लोगों के साथ शुरू हो जाती हैं, दो दुख इमिजिएटली। एक इस शरीर का ध्यान रखना रखना पड़ता है ना हर समय, इसको खिलाओ पिलाओ साफ रखो, इसकी बीमारी वगैरह कुछ हो जाती है इसको अस्पताल में भर्ती कराओ ठीक कराओ, शारीरिक दुख कितने सारे होते हैं। शरीर लेते ही अगर शरीर ना हो तो सोचो कोई दुख है, कोई दुखी नहीं रहेगा, शरीर के साथ सब दुख है। दूसरे कौन से होते हैं, सामाजिक दुख, कि समाज हमसे बहुत सारी अपेक्षाएं करता है, बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस करता है कि हमें ऐसा होना चाहिए, इतना तो ऐसा घर तो होना ही चाहिए, ऐसी जॉब तो होनी ही चाहिए, ऐसे अगर हम स्कूल में हैं तो हमारे इतने मार्क्स आने चाहिए, हमारी इतने क्लास में टीचर को पसंद आने चाहिए, है ना, कितनी सारी एक्सपेक्टेशंस होती हैं। तो हम इन चीजों के नीचे दबे रहते हैं। तो क्या ये चीजें जरूरी है करनी? हाँ जरूरी है बिल्कुल, इस शरीर में आए हैं, यहाँ पर आए हैं तो हमें करना तो होगा ही, लेकिन ये करते हुए भी हमें वो जानना है कि इस दुखों से हमें हमेशा के लिए मुक्ति मिल जाए, या हम इन दुखों से हमेशा के लिए ऊपर उठ जाए, या ये दुख अगर हो भी तो हम इनसे बिल्कुल भी अफेक्ट ना, क्योंकि हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि हमारे यहाँ दुख कुछ ना कुछ आता रहता है और हम उससे अफेक्ट होते हैं, हम परेशान होते हैं। तो गीता का जो मैसेज है, गीता का पर्पस है, वो यही है कि आप वो नहीं हो जो आपने माना हुआ है अपने आप को। जो हम ईगो की बात करते हैं, अहंकार की बात करते हैं, ईगो का मतलब हम सोचते हैं अभिमान, कि कोई बड़ा ईगोइस्टिक है, हम ऐसा बोलते हैं ना कि वो अपने आप को बहुत बड़ा समझता है तो वो ईगोइस्टिक है। वो ईगोइस्टिक की बात नहीं होती है, वो बात ये है जो अगर हम सच में समझे, जो हमारे उपनिषदों में ग्रंथों में बताया गया है, ईगो का मतलब है कि आपने सोच लिया कि मैं इस सृष्टि से अलग हूं, मैं इस संसार से अलग हूं, या मैं ईश्वर से अलग हूं। आई एंड द गॉड आर सेपरेट फ्रॉम ईच अदर, दैट इज द कॉज ऑफ ऑल द सफरिंग। एंड वंस यू रियलाइज दैट यू आर वन विद दैट, जब आप ये जान पाते हैं कि मैं और वो एक ही हैं, कोई डिफरेंस नहीं है, वहीं पे हमारे ये चीजें चलती रहती हैं लेकिन हमें अफेक्ट नहीं करती, वो दुख हमारे समाप्त होते हैं। तो गीता का पर्पस इवेंचुअली यही है, स्वयं को जानना कि मैं कौन हूं, आध्यात्मिक दुखों का निवारण करना। और एक बार हमने ये जान लिया, सारे दुखों का हमने आंसर पा लिया, तो फिर जो बाकी दुख हैं वो भी हमें परेशान नहीं करते, वो हम हमारी समझ बहुत बड़ी हो जाती वहां से। ठीक है, तो यहां से हम शुरू करते हैं गीता का। कोई यहाँ पे कुछ पूछना चाहता है, किसी का कोई सवाल है, ये चीज समझ में आई कि हमें गीता क्यों पढ़नी है, क्यों जाननी है? अब आप सबको पता है कि गीता कैसे शुरू हुई थी, जब महाभारत का वक्त था, है ना, और महाभारत शुरू होने वाली थी, और अर्जुन जो है उसने क्या बोला कि मुझे ये लड़ाई नहीं लड़नी, है ना, वहां पे क्यों, जब उसने देखा कि उसके सारे रिश्तेदार खड़े हैं, ताऊ ताए चाचा भाई सब कजिन्स खड़े हुए हैं, तो वो वहां पर बहुत मोहग्रस्त हो गया और उसने बोला मुझे ये नहीं लड़ना, मुझे एक बार मैं जा रहा हूं छोड़ के यहाँ पर। और वहां पर श्री कृष्ण ने युद्ध के मैदान पर उसे गीता का प्रवचन दिया। अब एक बात, एक चीज सोचिए, अगर हम बोल रहे हैं गीता का पर्पस है ये जानना कि मैं कुछ और हूं, मैं वो लिमिटेड इंसान नहीं हूं जो अपने आप को समझा हुआ है, मैंने एक अलग समझा है, वो युद्ध के मैदान पर ऐसा प्रवचन कौन देता है? मतलब क्या क्या इनका कनेक्शन है कि गीता का पर्पस तो है स्वयं को जानना, और यहाँ पे कृष्ण अर्जुन को युद्ध के मैदान में ये बता रहे हैं कि तुम कौन हो, है ना, यही तो बताया जा रहा है गीता में इवेंचुअली, तो इनका कोई कनेक्शन है क्या, क्या कनेक्शन हो सकता है? मोह माया, ओके, ताकि वो लड़ाई कर सके, अपने आप को जान सके, तो वो अलग करके फिर लड़ सके। हाँ, और ये आपने भी बिल्कुल सही बोला सुनीति, कि हमारा सिर्फ वो जो युद्ध है वो सिर्फ अर्जुन का ही नहीं है वहां पे,
हम सब भी एक युद्ध रोज लड़ रहे हैं, है ना। यहाँ पे इस संसार में रहते हुए भी तो रोज युद्ध चल रहा है। और हमारा एक और बोलते हैं कि ये जो हमारा शरीर है ना, यही है कुरुक्षेत्र, और हमारे अंदर ही है कौरव और पांडव, और हर समय लड़ाई चल रही है, और हमें देखना है कि हमारी महाभारत कौन जीतता है, कौरव जीतते हैं कि पांडव जीतते हैं, हम कृष्ण का सहारा लेते हैं या कौरवों के साथ, कौरवों के आर्मी में हो जाते हैं। तो एक और चीज है, देखिए जो कृष्ण है, कृष्ण भगवान तो हम बोलते हैं उन्हें, अवतार बोलते हैं, यहाँ पर कृष्ण एक गुरु। गुरु कौन है? जो स्वयं को जानते हैं, और जो सामने अर्जुन कौन है, अर्जुन उनका शिष्य है, वो खुद तो जानते ही हैं। जो गुरु का काम होता है कि जब भी वो देखे कि ये समय है उचित कि मेरे शिष्य को सही ज्ञान दिया जा सकता है, तो गुरु हमेशा उस समय का फायदा उठाते हैं। गुरु कभी ये नहीं देखते कि ये महायुद्ध का टाइम है या क्या है, हम अलग से बैठ के बताएंगे बिठाएंगे, नहीं। गुरु देखता है ये आपकी जिंदगी का सबसे बड़ी चीज होती है, स्वयं को जानना, इससे बड़ी और कोई चीज नहीं है। इस आप जो हम ह्यूमन बॉडी में आए हैं, ह्यूमन बर्थ लिया है, मानव जन्म का सबसे बड़ा जो इवेंचुअल है वो है कि स्वयं जान जाना कि क्या मैं सच में बस ये मानव ही हूं या कुछ और भी हूं, है ना। और गुरु कृष्ण देख रहे हैं कि ये बिल्कुल सही टाइम है। क्यों? क्योंकि इस समय अर्जुन की मनोस्थिति, उसका माइंड ओपन है, उसका माइंड डिस्टर्ब हुआ है। हम कई बार, जैसे मैंने यहाँ पे भी लिखा था, दुख और सफरिंग, जब भी हमारे ऊपर दुख आता है ना, तो हम जिंदगी को एक अलग तरीके से देखने के लिए तैयार हो जाते हैं, अदरवाइज हम तैयार नहीं होते। अदरवाइज तो हम अपनी लाइफ में बड़े खुश हैं, हम अपना जॉब कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, हम सोच रहे हैं हम बस कब छुट्टियों में कहाँ घूमने जाएंगे, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, हम बहुत बिजी हैं, और हमें लगता है हमारी लाइफ बड़ी अच्छी चल रही है। लेकिन जैसे ही कोई दुख आता है, और स्पेशली कोई ऐसा दुख आ जाए जिससे हम बाहर नहीं निकल पाते बहुत समय तक, क्योंकि मैं तो देख रही हूँ बहुत सालों से, बहुत सारे लोग इसीलिए अध्यात्म में आते हैं कि अब उन्हें उन दुख का कोई आंसर मिल नहीं रहा है, तो अब लगता है कि शायद अध्यात्म ही मिलेगा, वहीं पर चलते हैं आंसर देखने के लिए। तो यहाँ पर कृष्ण भी जो है वो एक गुरु का काम कर रहे हैं, वो देख रहे हैं कि ये जो अर्जुन है ये इस समय परेशान है। पहली बात तो कृष्ण को ये भी पता है कि ये लड़ाई लड़नी बहुत जरूरी है, अर्जुन भाग नहीं सकता। क्यों? क्योंकि अगर कौरव जीत जाएंगे तो आगे के आने वाला समय बहुत खराब होगा, पांडवों को ही कुर्सी लेनी चाहिए, पांडवों का ही राज होना चाहिए, सत्य का साथ उनको देना है, तो वो अर्जुन को भागने नहीं दे सकते, ठीक है। दूसरी चीज, अर्जुन गुरु हैं जो देख रहे हैं इस समय, जैसे हम बोलते हैं ना कई बार लोहा गर्म होता है, कि इस समय अगर हम चोट मारेंगे तो हम उसको टर्न कर सकते हैं, तो कृष्ण को ये नजर आ रहा है कि दिस इज एब्सोल्युटली द राइट टाइम। और तीसरी चीज, जो कृष्ण है ना वो बहुत बड़े साइकोलॉजिस्ट भी हैं, ओके। वो कैसे अर्जुन को क्या क्या लॉजिक देंगे, कैसे समझाएंगे कि अर्जुन इस वॉर से ना भागे, वो उस चीज का भी इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो जब अर्जुन अपना बहुत दुख दुखड़ा सुनाते हैं कि मैं अपने भाइयों बंधुओं के ऊपर तीर नहीं चला सकता, मैं इनको नहीं मार सकता, मैं छोड़ के चला जाऊंगा, मैं सन्यासी हो जाऊंगा, यहाँ पर कृष्ण को पता है कि वैसे तो अर्जुन जो है क्षत्रिय है, अगर कोई और होता भाई बंधुओं के अलावा तो अर्जुन बिल्कुल ऐसा नहीं सोचता, अर्जुन ने तो बहुत बार लड़ाई की है, सबको मारा काटा है ना, तो आज ये क्यों अपना धर्म नहीं निभा रहा? क्योंकि इसको मोह हो रहा है, क्योंकि उसको लग रहा है कि ये मेरे भाई हैं, यहाँ पे मोह आ गया, अटैचमेंट आ रहा है कि मेरे भाई हैं तो मैं छोड़ के चला जाऊंगा, ये इसके लिए बिल्कुल भी काम नहीं करेगा। तो वहां पर जो कृष्ण हैं वो अर्जुन को क्या बताते हैं, कहते हैं कि देख तू क्षत्रिय है, अगर तू आज ये सब छोड़कर चला गया, ये लड़ाई छोड़कर चला गया, तो सब लोग तेरे ऊपर थू थू करेंगे, सब लोग बोलेंगे कि क्षत्रिय और ये जो है उसने अपनी लड़ाई नहीं की, और तू उसको सहन नहीं कर पाएगा। अब ऐसा लॉजिक कि उसको, उसका जो वीक पॉइंट है, ये अर्जुन का वीक पॉइंट है क्षत्रिय होना, हमने सुना है ना प्राण जाए पर वचन ना जाए, जो क्षत्रियों के बारे में बोला जाता है, तो हर इंसान का कोई वीक पॉइंट होता है जहां पे उसको रोका जाता है। तो ये जो शुरू के श्लोक आएंगे जब हम करेंगे बाद में, अभी तो मैं सिर्फ आप लोगों को एक इंट्रोडक्शन दे रही हूँ। तो कृष्ण अर्जुन के साथ एक साइकोलॉजिकल गेम भी खेल रहे हैं, लेकिन क्योंकि वो गुरु हैं उसका सही इस्तेमाल कर रहे हैं। यहाँ पे हमारे समझने के लिए एक और बात है कि जब हम
किसी परेशानी में होते हैं, हमें कौन गाइड करता है उस समय, इस चीज से बहुत फर्क पड़ता है। ऐसा भी हो सकता है कि कोई हमारा भला भी कर सकता है उस समय जब हम परेशान हैं, और कोई हमारे फायदा भी उठा सकता है। ऐसा होता है कि नहीं हमारे साथ लाइफ में, है ना? हमारे सामने कौन है और वो किस तरह से, कौन सा आर्ग्यूमेंट देगा आपको, आप क्या लॉजिक लगाएगा, आपको क्या गाइड करेगा कि आपको इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए, तो वो फर्क पड़ता है। यहीं पर कोई अर्जुन का फायदा भी उठा सकता था और बोल सकता था कि हाँ देख, तेरे सर के ऊपर अपने भाइयों का खून आ जाएगा, है ना, तो तू यहाँ से भाग जा। ऐसा हो सकता है, और वो भी सही लॉजिक लगेगा, है ना, कि हाउ कैन यू किल योर ओन कजिन्स। लेकिन कृष्ण जो है वो उस चीज से, वो उसको नहीं देख रहे हैं, वो कुछ और देख रहे हैं, वो भारत का भविष्य भी देख रहे हैं कि पांडवों को आना चाहिए। तो वो क्या लॉजिक लगा रहे हैं कृष्ण अर्जुन के लिए कि यू आर अ वॉरियर एंड यू कैन नॉट रन अवे फ्रॉम हिम, यू कैन नॉट रन अवे फ्रॉम। तो उसका इस्तेमाल करके आगे हम लोग चलेंगे। एक और चीज क्या है कि जो कई बार, देखो गीता सिर्फ एक भगवत गीता नहीं है, आप लोगों को पता है, और बहुत सारी गीताएं हैं, किसी को पता अष्टावक्र है? अष्टावक्र गीता है, और कौन सी गीता पता है आपको? गीता, वशिष्ठ गीता, हाँ जी बिल्कुल। और कोई पता है? अच्छा, एक उद्धव गीता है, हंस गीता है, और भी है कुछ, 18-20 गीताएं तो है ही जो क्लियरली दी हुई है, गीता अवधूत गीता है, बिल्कुल। तो ये जो गीताएं हैं, मतलब गीता का क्या मतलब होता है? गीता का मतलब होता है गीत, मतलब सॉन्ग। कौन सा वाला गीत? जो गुरु दे रहा है अपने शिष्य को, जो ज्ञान दे रहा है, वो वाला गीत, ताकि वो जो शिष्य है वो अपने आप को जान ले, ये गीत। ठीक है, तो अब जैसे आपने अष्टावक्र गीता बोला, अष्टावक्र गीता है सेज अष्टावक्र और जनक के बीच में, जनक जो सीता के पिता थे, है ना? अब अगर वो गीता आप देखेंगे ना, और उस पे भी हमारा चल रहा है, हर वेंसडे सेशन होता है अष्टावक्र गीता पे भी, जब वो शुरू होती है उसमें जो जनक हैं वो सीधा अष्टावक्र को जाकर बोलते हैं कि हे गुरु, हे ऋषि, मुझे बताइए कि बंधन क्या है, मोक्ष क्या है और मुक्ति कैसे हो। मतलब सीधा ये बंधन क्या है, वो सीधा सवाल पूछ रहे हैं, मतलब वो इस वाले लास्ट वाले पे आ गए कि मैं ये देख रहा हूं, और देखो वो राजा जनक हैं, इतने बड़े राजा हैं, है ना, सीता के पिता हैं, यानी ज्ञानी हैं, श्री राम उनके दामाद हैं, फिर भी वो जाके सवाल पूछ रहे हैं बंधन क्या है, क्योंकि उनको ये रियलाइज ऑलरेडी उस पॉइंट पे पहुंच गए हैं कि वो जान गए हैं कि लाइफ में बहुत दुख है, बंधन है। ठीक है, और जब कृष्ण वाली गीता है, यहाँ पर अर्जुन और भगवत गीता क्यों ज्यादा पॉपुलर है, क्योंकि अर्जुन हम सबके जैसे हैं, अर्जुन जाके ये नहीं पूछ रहे कि मुझे बंधन क्या है, मोक्ष क्या है, मुक्ति क्या है, मैं कौन हूँ, ये सवाल नहीं पूछ रहे। अर्जुन क्या पूछ रहे हैं? अरे ये वॉर होने वाली है, मेरे हम सामने कजन्स खड़े हुए हैं, मैं इनको नहीं मार सकता, मेरे तो पाँव लड़खड़ा रहे हैं, मैं बहुत वीक फील कर रहा हूँ, मैं ये छोड़ के भाग रहा हूँ। तो अर्जुन जो है बिल्कुल हमारे जैसे हैं, और यहाँ पर कृष्ण को जो पार्ट प्ले करना है जो गुरु का, तो वही गीता गीता का फर्क है। एक गीता जो सीधा सवाल का जवाब देती है, और एक गीता जो किस लिए की जाती है कि अब वो जो शिष्य है वो ये सवाल नहीं पूछ रहा, लेकिन गुरु तैयार है, गुरु को लग दिख रहा है कि शिष्य को इस समय ये ज्ञान दिया जा सकता है, तो यहाँ पे उसको वो बता रहा है। तो भगवद गीता क्यों इतनी पॉपुलर हुई है? पहली बात तो हम ज्यादातर लोग अर्जुन जैसे हैं जो किसी पर्टिकुलर दुख से मुक्ति चाहते हैं, ये पहली बात। और दूसरी बात, जो भगवद गीता है उसमें सब मार्गों के बारे में बताया गया है। आपको पता है मैं कौन हूँ ये जानने के बहुत सारे मार्ग हैं, तो आप लोगों ने सुना हो भक्ति मार्ग, ज्ञान मार्ग, योग मार्ग, तंत्र मार्ग, कर्म मार्ग, ये सब मार्ग बताए गए हैं। और भगवद गीता में श्री कृष्ण अर्जुन को सब मार्ग बताते हैं, इसलिए वो बहुत पॉपुलर। क्या हम सबके लिए एक ही मार्ग है? क्या हम सब लोग भक्ति कर सकते हैं? नहीं, हर कोई भक्ति के लिए नहीं बना। जैसे क्या हम सबको एक ही डिश पसंद आती है खाने में? सबको अलग अलग चीजें पसंद आती है ना? आइसक्रीम भी खाने जाते हैं तो सबको अलग अलग फ्लेवर्स पसंद आते हैं, करेक्ट? ऐसे ही जब हम, हमें
हाईएस्ट पोटेंशियल अपना जाना है, जीवन का उद्देश्य जानना है, उस उद्देश्य को जानने के लिए जो रास्ते हैं वो हमारे इंटरेस्ट के हिसाब से होने चाहिए। तो भगवद गीता एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें सब रास्ते बताए गए हैं, इसमें सब लोगों को कवर किया गया है। किसी कोई बहुत ज्यादा भाव वाला है तो उसके लिए भक्ति मार्ग की इंपॉर्टेंस बताई गई है, बोलते हैं ना समर्पण कर दो। अगर कोई बहुत कर्म करना चाहता है, कर्म योगी, कि निष्काम कर्म करके कैसे तुम कर्म मार्ग से पा सकते हो। किसी की विवेक बहुत ज्यादा है, बुद्धि बहुत ज्यादा है, उसके लिए ज्ञान मार्ग बताया गया है कि कैसे बुद्धि का इस्तेमाल करके तुम जान सकते हो कि तुम कौन हो। या किसी के लिए ये है कि आप योग साधना करें, कैसे योग साधना करके आप उसी चीज को पा सकते हैं। तो ये सब अलग-अलग चीजें आती हैं। अच्छा, देखिए हम तब से क्या बात कर रहे हैं कि मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या है, स्वयं को जान लेना, ये जानना कि मैं हूं कौन। क्योंकि मुझे अपना कब से पता है कि मैंने जन्म लिया और एक दिन पता है मृत्यु होनी है, तो क्या जन्म से पहले भी मैं था या जन्म के बाद भी मैं होऊंगा, है ना? यही तो जानना है कि मैं हूं कौन। अब इसको हम एक और तरीके से समझते हैं। एक बार एक गांव में एक बच्चा था और उसको बड़ी इच्छा थी गंगा देखने की। उसने सुना था किसी से कि गंगा है नदी, बहुत सुंदर होती है, मुझे देखनी है। तो गांव में रहते थे, तो एक बार क्या हुआ, कोई गया होगा, उसने फोटो खींची होगी या अखबार में एक फोटो आई, वहां पे लिखा था गंगा नदी। तो उसने जब फोटो देखी गंगा नदी की, उसको लगा यही गंगा है। ठीक है, उसने बोला अरे बस मैंने तो देख ली गंगा, यही तो है गंगा। तो वो यही सोचता था, उसने फोटो काट के अपनी दीवार पे लगा ली कि ये गंगा है। थोड़े दिन के बाद, कुछ और दिन हुए, कोई वहां पे आया, कोई आदमी आया और बाय चांस उनके घर में भी आया। तो ऐसे ही वो बातें कर रहा था, तो ये बच्चा बड़े उससे दिखा रहा था, आपने गंगा देखी है, देखो ये गंगा होती है। तो उसको लगा कि, उसने बोला नहीं बेटा ये गंगा नहीं है, तो मैं तुम्हें दिखाता हूँ। तो उसके पास वीडियो था गंगा का, ठीक है ना, एक वीडियो। तो उसने दिखाया। अब यहाँ पे क्या है, हम सिर्फ आंखों से देख पा रहे हैं, है ना? अब यहाँ पे वो मूवमेंट भी आ रहा है वीडियो में और आवाज भी आ रही है गंगा नदी की। तो उसने बोला ये गंगा ट्रांसफॉर्मेशन है ना, चेंज हुआ यहाँ से, है ना? तो उसने बोला ये गंगा है। तो उसने बोला अच्छा ये गंगा है, ओके ये गंगा है। तो फिर बाद में एक और कुछ हुआ, तो उसने बोला कि ये भी गंगा नहीं है, ये भी तो गंगा का वीडियो है, असली गंगा के लिए तो वहां जाना पड़ेगा। तो कोई उसको लेके गया। अब वहां पे आप क्या, वो देख पा रहा है गंगा को, सुन पा रहा है आवाज से और छू भी पा रहा है ना, और उसको मुंह में डाल के उसमें पानी पी भी सकता है। तो उसने बोला हाँ अब ये गंगा असली है। अब क्या ये भी असली गंगा है? क्या नहीं। ऐसा हो सकता है कि ये भी असली गंगा ना हो? देखो फोटो वाली भी असली नहीं थी, क्योंकि वहां पे एक इंद्री काम कर रही थी कि हम देख पा रहे थे यहां से, है ना? फिर वीडियो वाली में दो इंद्रियां काम कर रही थी, यहाँ पे चार पांच काम कर रही हैं। पर क्या ऐसा हो सकता है कि गंगा इसके भी बियॉन्ड हो? जी के जहां भी है ना, मतलब ये सवाल है, इसका कोई जवाब नहीं है, ये बस सोचने की बात है कि फोटो वाली भी गंगा नहीं थी, वीडियो वाली भी गंगा नहीं थी, तो क्या पता जो नजर आ रही है पांच से, क्योंकि हम कैसे जान रहे हैं, हम हर चीज अपने पांचों इंद्रियों से ही तो जान रहे हैं, तो शायद वो भी गंगा नहीं हो। ऐसे ही जब आप अपनी फोटो देखते हैं, आपकी फोटो, आप बोलते हो ये मेरी फोटो है ना, पर वो आप तो नहीं हो, आपका जो वीडियो है वो भी आप नहीं हो, है ना? और आप बोल रहे हो नहीं ये मैं हूं, क्या पता ये भी आप नहीं हो, ऐसा हो सकता है ना? तो अध्यात्म जो है वो ही जानने का है कि असली मैं कौन है। क्या वो है जो फोटो में नजर आ रहा है, क्या वो है जो वीडियो में नजर आ रहा है, या वो है जो ये अनुभव हो रहा है, या ये भी नहीं है, कुछ और ही है। क्योंकि हमारा मैक्सिमम अनुभव किससे हो सकता है, पांच सेंसेस से, दैट इज ऑल, दैट इज द मैक्सिमम, है ना? बट मे बी ये पांच सेंसेस में भी शायद समाप्त नहीं होता, शायद उसके आगे भी कुछ हो, वो भी नहीं है, है ना? यही जानना है। तो कैसे जानेंगे? सबसे अच्छा तरीका होता है अनुभव। देर इज नथिंग मोर इम्पॉर्टेंट देन योर ओन एक्सपीरियंस। हर चीज को हमें अपने अनुभव से जानना है, ना कि सुन के पढ़ के और मान लेना है। और मैं ये भी बोलूंगी, स्पेशली यहाँ पे तीन बच्चे हैं, कि क्योंकि मैंने ऐसा बोला है इसलिए मान मत लेना, डोंट बिलीव मी। ओके, इफ आई टेल यू दैट चॉकलेट इज वेरी टेस्टी, यू डोंट हैव टू बिलीव मी, यू हैव टू ईट द चॉकलेट एंड से यस इट इज वेरी टेस्टी, राइट? सो द सेम वे, अगर मैं यहाँ पे ये बोल रही हूँ कि शायद ये भी मैं नहीं हूं,
या शायद ये भी आप नहीं हो जो आप सोच रहे हो, तो मेरी बात को मानना नहीं है, सिर्फ ये एक इंफॉर्मेशन लेनी है, फिर हमें उसको अगर हम चाहते हैं तो एक्सपीरियंस करना कि कैसे मैं नहीं हूं, एंड डू आई रियली वॉन्ट टू नो, और आई डोंट वॉन्ट टू नो, आई एम फाइन विद दिस बॉडी एंड माइंड राइट नाउ, विच इज एब्सोल्युटली फाइन. यहाँ पे चीजें जबरदस्ती नहीं कराई जाती. गीता पढ़ने का, गीता सुनने का एक ही मतलब है कि हम स्वयं को जान लें. हमने जो स्वयं को सृष्टि से, इस पूरी सृष्टि से अलग माना हुआ है, हमारा जो अनुभव हो रहा है, हमारा एक्सपीरियंस क्या है कि मैं अलग, है ना, ये अलग नजर आ रहा है, नैतिक अलग नजर आ रहा है, ये हवा अलग नजर आ रही है, ये अलग नजर आ रहा है, तो हमें क्या लगता है, एक सेपरेशन का फीलिंग हो रहा है. पर क्या सच में ये सेपरेशन है क्या, या सिर्फ इल्यूजन है? जैसे मैं एक और एग्जांपल देती हूँ, हम जब यहां से देखते हैं नीचे से, तो हमें प्लेन कितना बड़ा नजर आता है, एयरप्लेन छोटा सा, है ना, हम ऐसे हाथ में बोल सकते हैं कि इतना सा है. या हमें चांद कितना बड़ा नजर आता है, छोटा सा, हम हाथ में ऐसे कर ले तो दिखना भी बंद हो जाता है ना, बोलते हैं हमने हाथ से छुपा दिया. पर क्या प्लेन उतना छोटा है, क्या चांद उतना छोटा है? नहीं है, है ना. तो मे बी व्हाट माय एक्सपीरियंस थ्रू दीज सेंसेस, जो मेरी आंखें बता रही हैं सिर्फ, शायद वो सही अनुभव नहीं है, वो एक अनुभव का एक इल्यूजन है ना. इसी को हम इल्यूजन बोलते हैं, इसी को माया बोलते हैं, कि हमें लग रहा है, अनुभव में ये हो रहा है कि वो ऐसा है, पर शायद वो ऐसा नहीं. इसका तो हमें पक्का पता है कि चांद छोटा नहीं है, प्लेन छोटा नहीं है. तो ऐसे ही अभी अनुभव हो रहा है, लग रहा है कि मैं हूं, और ऐसा लग रहा है कि हम सब अलग 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 हैं. ये हम सिर्फ क्योंकि 5 senses से जान रहे हैं इसलिए, लेकिन शायद इसके आगे कुछ है. वो उसके लिए हमें, अगर हमें इंटरेस्ट आता है, ये सबसे बड़ी बात है, कि क्या हम जानना चाहते हैं. मुझे तो ऐसी आग लगी थी कि मैं आपको बता नहीं सकती, कि मुझे ये जानना ही जानना है, ये नहीं जानना तो बस और कुछ करना ही नहीं लाइफ. और निवेद उनका भी बिल्कुल ऐसा ही था, इतने सवाल, ये है क्या जिंदगी. तो बस अगर हम जानना चाहते हैं तो मार्ग है उनको जानने के, लेकिन अगर हम नहीं जानना चाहते, हम अपनी इसी जिंदगी में खुश हैं, तो वो भी ठीक है. तो अध्यात्म में तभी चलना है, आगे बढ़ना है, गीता तभी सुननी है, अगर हमें इंटरेस्ट है आगे ये सब जानने में. इसलिए नहीं सुननी क्योंकि बहुत सारे लोग सोचते हैं कि गीता सुनने से शायद पुण्य कर्म हो जाता है, या हमारे पाप कट जाते हैं, या ये एक अच्छा काम है गीता सुनना, या हम हिंदू हैं इसलिए हमें गीता सुननी चाहिए. नहीं, कोई फायदा नहीं है. वो तो ये है कि आप सपोज चाइनीज में कुछ एक प्रवचन सुना, उससे क्या हो जाएगा? कुछ नहीं होगा. जब तक उसका हमें पर्पस नहीं पता हो, अंडरस्टैंडिंग ना हो, देन देयर इज नो पॉइंट. सो ये कॉल हमेशा, देखो हमें स्कूल जाना बहुत जरूरी है, पढ़ाई लिखाई करना जरूरी है, हमारे सर्वाइवल के लिए हमें जो कुछ भी करना है वो बहुत जरूरी है, जॉब करना, पैसा कमाना, लेकिन अध्यात्म में चलना जरूरी नहीं है, सर्वाइवल इशू नहीं है ये, सिर्फ अंदर से आता है. मैं तो बोलूंगी कृपा से आता है. जब उनकी कृपा होती है ना, कि अब आपको जानना है, अब आप सच में जानना चाहते हो कि आप क्यों कर रहे हो, क्या कर रहे, तभी आता है. ठीक है, तो ये कॉल हमको लेनी है. अब मैं आपको बताती हूँ थोड़ा एक बेसिक, सिर्फ थोड़ा सा बताती हूँ, आज हम शुरू नहीं करेंगे. तो जैसे मैंने बताया, ये जो भगवद गीता है, ये परमहंस योगानंदा जी द्वारा लिखी है, गॉड टॉक्स विद अर्जुना. और ये जो गीता है, ये काफी योगा बेस्ड गीता है. इसमें आपको, जो लोग क्रिया योगी हैं, जो क्रिया योग की साधना कर रहे हैं, इस वाली गीता को पढ़ेंगे तो उनको वो कहीं ज्यादा अच्छे से समझ में आएगी. देखिए क्या होता है, गीता, भगवद गीता तो एक ही है, लेकिन उसकी टीका कौन कर रहा है, उसको एक्सप्लेन कौन कर रहा है, इससे बहुत फर्क पड़ता है, और वो कौन से मार्ग के हैं. जैसे अगर आप प्रभुपाद का नाम आप लोगों ने सुना होगा, इस्कॉन वाले हैं, अगर आप उनकी गीता पढ़ेंगे तो वो पूरी भक्ति पर है, पूरी की पूरी भक्ति. उसकी जो इंटरप्रिटेशन की गई है वो भक्ति के मार्ग से की गई. जब आप ये वाली गीता पढ़ेंगे, ये वाली पूरी योग मार्ग से की गई. बाकी मार्गों का भी यहाँ पे दिया गया है, लेकिन आपको ज्यादा यहाँ पर योग का ही मिलेगा. फिर अगर आप किसी, अगर आप एक जो बाल गंगाधर तिलक थे, उन्होंने भी दिया हुआ है, उनकी भी गीता की इंटरप्रिटेशन,
वो पढ़ेंगे तो वो पूरी कर्मयोग पर पूरा फोकस निष्काम कर्मयोग पे है उसका। फिर ऐसे ही आप किसी ज्ञान मार्ग, जो ज्ञान मार्ग से गए हैं तो उनकी पूरी ज्ञान मार्ग की, मुझे अभी कोई याद नहीं आ रहा भगवद गीता का किसी ने ज्ञान मार्ग पे किया हो, पर जरूर होंगे। और ओशो, मैंने यहाँ पे ओशो की गीता क्यों लिखी है, ओशो ने पूरा इसको मनोवैज्ञानिक तरीके से किया है, उसका जो पूरा एक्सप्लेनेशन है ओशो का। और मनोविज्ञान मतलब साइकोलॉजी, मतलब जिस चीज को हम बहुत अच्छे से रिलेट कर पाते हैं, हमारी रोजमर्रा की प्रॉब्लम से हम रिलेट कर पाते हैं। एक मैं बहुत सिंपल आपको एग्जाम्पल देती हूँ, हम उस पर क्लोज करेंगे, कि जो ओशो ने बताया कि अर्जुन क्यों लड़ाई नहीं कर रहे। देखो ये अलग अलग इंटरप्रिटेशन हैं कि अर्जुन क्यों लड़ना नहीं चाहते महाभारत की उसमें, और उन्होंने इसको रिलेट किया है इंसान के मनोविज्ञान से। एक बात देखो आप, चाहे एक बात बताओ, सपोज करो आपकी आज हरेक की एक 10 करोड़ की लॉटरी लगे, ठीक है। अब आपकी 10 करोड़ तो मिलेंगे लेकिन आप किसी को बता नहीं सकते, कोई ऐसा नहीं है जिसको आप बता सकते हो कि आपने 10 करोड़ रुपए जीत लिए। या आपको एक फरारी या मर्सिडीज मिल गई लेकिन आप किसी को नहीं बता सकते, या आप ओलंपिक्स में जीत गए, कुछ ओलंपिक्स में चले गए और कोई नहीं है, एक बार सोच के देखो कि कोई भी नहीं है जिसके साथ आप ये चीज शेयर कर सकते हो, कोई देखने वाला नहीं है, तो उसका मजा है कि नहीं है उस चीज को करने का, नहीं है ना। अगर हम देखें हर चीज जो हम चाहते हैं, चाहे हम पैसा चाहते हैं, चाहे पद चाहते हैं, चाहे प्रतिष्ठा चाहते हैं, वो एक तरह से जो हमारे अपने हैं उनको दिखाने के लिए, उनके साथ शेयर करने के लिए, एक अपनों को दिखाने के लिए कि हमारे अपने भी खुश होंगे, और एक अपने दुश्मन को भी दिखाने के लिए कि देखो मैंने ये किया। ये हमारी बेसिक साइकोलॉजी है ह्यूमंस की, हमें दिखाना होता है। अगर सोसाइटी में अगर पड़ोसी जले ना हमारी गाड़ी को देख के तो फायदा क्या हुआ उस गाड़ी का, है कि नहीं, ऐसा ही होता ना। तो यहाँ पे कृष्ण क्या बोलते हैं, वो कहते हैं कि अर्जुन देख पा रहा है कि अगर ये सब लोग मारे जाएंगे, ये जो है, और कौरव कौन है, दिख रहे से तो दुश्मन ही है ना, भाई भी है पर दुश्मन भी है, जब हमारे एनिमीज ही खत्म हो जाएंगे और हमको कल सब राज्य पाठ मिल जाएगा तो हम किसको दिखाएंगे, किसके लिए, किस लिए, व्हाट इज द पर्पस, देयर इज नो पर्पस, ओनली लेफ्ट। हाँ क्यों, क्योंकि हम कोई भी काम, हमारी जो एनर्जी आती है वो आती ही इसी से है कि हम या तो अपनी फैमिली के साथ शेयर करें या हम अपने दुश्मनों को दिखा पाए। और मैं आपको बता रही हूँ, मैं तो बहुत सारे लोगों से बात करती हूँ, बहुत सारे लोग कुछ करना ही इसलिए चाहते हैं कि उनको किसी और को दिखाना होता है कि सी आई कैन डू दिस, सी आई एम बेटर देन यू, किसी को कुछ प्रूव करना होता है। अब अगर कोई प्रूव करने वाला ही नहीं रहे तो आप क्यों करोगे, जिंदगी का उखड़ है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो ओशो की गीता में आपको ऐसी चीजें मिलेंगी जो पूरी साइकोलॉजी से रिलेटेड है, आपको सारे इमोशंस मिलेंगे, आपको कि जेलेसी से कैसे डील करना है, और आपको कर्म करते हुए भी ये जो सारे इमोशंस हैं, जो हमारे नेगेटिव इमोशंस होते हैं, वो कैसे कैसे आके हमें डिस्कनेक्ट करते हैं, कैसे हमें नीचे खींचते हैं और कैसे हमें उनसे ऊपर उठना है। तो ओशो की गीता जो साइकोलॉजी बेस्ड है, मुझे लगता है वो हर कोई समझ सकता है, एवरीबडी कैन अंडरस्टैंड। तो ये जो गीता दर्शन है, और तो हमारा, मेरा जो रहेगा आगे सेशंस, वो दोनों गीताओं से रहेंगे, इनसे भी और क्रिया योग वाली जो है, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, मैं जिस मैंने बताया मैं सेशन रिकॉर्ड भी कर रही हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ पे क्रिया योग भी सीख रहे हैं तो वो उससे रिलेट कर पाते हैं, उसमें जो अनुभव दिए गए हैं। इसमें कुंडलिनी का चर्चा नहीं अब तक आपने? देखिए कुंडलिनी का, अच्छा पहले तो आप बताइए आप कुंडलिनी से क्या समझते हैं। नहीं कुंडली ये भाव जो कि सबसे टॉप पर जाकर होता है, आज्ञा चाहिए, जागृत होता है, हाँ। तो ब्रह्म के एकदम नजदीक होता है, फिर उसके बाद कुछ इच्छा ही नहीं रहती इससे। ठीक है, तो जो क्रिया योग है वो यही काम करता है, क्रिया योग का पर्पज ही है, जो सांस ली जाती है वो सांस लेते लेते, और जो हमारे पूरी प्रैक्टिसेस हैं वहां पे ध्यान आपका आज्ञा चक्र पे रहता है। तो क्या होता है, धीरे धीरे आपका जो आज्ञा चक्र खुलता है तो बिल्कुल वो सब चीजें, जैसे उन्होंने बोला अहम ब्रह्मास्मि, वो आपको स्वयं को ही ज्ञान हो जाता है कि मैं ही हूँ, वो यह आज्ञा चक्र खुलने से। और इसका ना एक बहुत सुंदर, इसमें ही परमहंस योगानंदा जी की बुक में है,
मैं आपको एक छोटा सा बता देती हूँ। एक सेकंड, मैं इसका कुछ, आप लोगों ने सात चक्रों के बारे में सुना होगा, तो मैं एक बेसिक बता देती हूँ जो इसमें बताया है कि जब हम गर्भ में होते हैं और जब प्राण एंटर होता है उसमें, जो छोटा जीवात्मा, हाँ जीवात्मा है, वो मेडुला से एंट्री होती है। जो मेडुला होती है वो ये होता है यहाँ पे, जहाँ पे हमारे ये ब्रेन के एकदम नीचे और गर्दन के ऊपर ये पॉइंट जो होता है वो मेडुला होता है। और ये जो मेडुला होता है ये हमारे थर्ड आई के बिल्कुल पैरेलल होता है, ये हमारा आज्ञा चक्र होता है ना, इससे पैरेलल। तो यहाँ से वो अंदर आती है। और एक जो नेचुरल तरीका क्या होता है, वो जो सृष्टि का प्रकृति का नियम है कि हर चीज नीचे जाएगी, है ना, ग्रेविटेशनल पुल। तो ये जो है ये भी नीचे चला जाता है यहाँ से जो। और क्योंकि हम एक ऐसे समाज में हैं जहाँ पे फोकस किसके ऊपर है, शरीर पर, आपके सर्वाइवल पर, वही आपको अपना हेल्थ ध्यान रखना है, आपको पैसा कमाना है, आपको अपने रिलेशनशिप्स, हेल्थ वेल्थ रिलेशनशिप्स, तीन चीजों पे फोकस होता है। तो ये हमारे नीचे के तीन चक्रास होते हैं। तो हमारी जो ऊर्जा है और सोसाइटी की वजह से, बस ये इसमें भी बहुत कम जाती है, बल्कि ज्यादातर इसमें ऊर्जा है, ये नेचुरली जा रही है। तो ये जो आपने कुंडलिनी की बात की, तो क्रिया योग में क्या करते हैं, ये नेचुरली तो नीचे जा रही है, तो सांस का एक तरीका है प्राणायाम का कि इसको ऊर्जा को ऊपर उठाया जाए। तो वो बार बार सांस करके ऊपर, तो अब ये नीचे जा रही है, तो हम क्या कर रहे हैं, वो जो ऊर्जा आपकी नीचे जा रही है उसको धीरे धीरे उठाते 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 एक दिन ये जो आपका आज्ञा चक्र है ये खुल जाता है। जब वो खुल जाता है तब आपको अपने होने का, कि आप क्या हो, जैसे हमने बोला कि अभी हम कैसे जानते हैं, सिर्फ पांच इंद्रियों से ही जानते हैं, तो आपको कुछ और समझ में आता है, इस शरीर के भी बियॉन्ड समझ में आता है और इस संसार के भी आगे जो बहुत कुछ है वो नजर में आता है, जो अभी हमें नहीं नजर में आता। तो वही कुंडलिनी क्रिया योग, वही है कुंडलिनी। और भी ऐसे कुंडलिनी मार्ग बहुत सारे हैं, और क्रिया योग भी एक वन ऑफ द मार्ग है। ऐसा नहीं है कि क्रिया एक अकेला ही मार्ग है, बहुत सारे मार्ग। और कुछ लोग ऐसे होते हैं, मतलब वो ये बोलेंगे कि कृपा, जैसे हम जानते हैं ना कि कुछ लोग बचपन से ही बहुत अच्छे सिंगर्स होते हैं, बहुत अच्छा गाते हैं, कोई ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है, लेके आया है ना, नेचुरल गॉड गिफ्टेड होते हैं, या कोई बहुत अच्छा प्लेयर होता है, या हर फील्ड में ऐसे गॉड गिफ्टेड लोग होते हैं। हाँ, आर्टिस्ट, बिल्कुल। ऐसे ही इसमें भी ऐसा होता है कि कुछ हमारे संत हुए हैं बहुत सारे, जो मतलब पहले हम बोलेंगे पूर्व जन्मों की साधना है, कि वो जब आते हैं इस शरीर में तो उनकी ऊर्जा नीचे नहीं जाती, उनकी ऊर्जा ऊपर ही रहती, और उनको सिर्फ गुरु लगता है ये बताने के लिए कि सिर्फ एक जो महावाक्य है ना, अहम ब्रह्मास्मि, कि तुम ही ब्रह्म हो, और उनका विज्ञानमय कोश खुल जाता है, सिर्फ इतना सुनना ही काफी होता है। ऐसे बहुत सारे हमें कहानियां मिलेगी जहां पर जो महापुरुष हैं और हैं, बस उन्होंने कुछ सुना, कुछ हुआ, या बचपन, अगर हम आदि शंकराचार्य की बात करें तो 8 वर्ष की अवस्था में, उनको 8 वर्ष की अवस्था में ही ज्ञान हो गया, तो उनको कुछ ये सब करना नहीं पड़ता, ये प्रोसेस नहीं करना पड़ता। ये इसका तरीका है कि ये पहला स्टेज आएगा तभी दूसरा आएगा, या कोई और किस स्टेज में, नहीं मैं समझ नहीं। जैसे कि मूलाधार पहले खुला, फिर वो खुला, फिर वैसे ही होगा, या फिर ऊपर से नीचे कोई भी कैसे भी, ऐसा रैंडम नहीं होगा? नहीं, एक तरीका होता है, इसका प्रोसेस होता है, ये आपका धीरे धीरे एक एक करके खुलते हैं, लेकिन इसमें मेनली, और ये दोनों तरह से होता है, नीचे से ऊपर भी खुलता है, और कई बार ऊपर से भी ऊर्जा आती है, वो डिपेंड करता है। जैसे हम शक्तिपात की जब बात करते हैं, कुछ गुरु होते हैं जो आपको शक्तिपात देते हैं, उसमें आपका ऊपर से भी नीचे हो सकता है, लेकिन आप ये मान के चलो नॉर्मल ज्यादातर लोगों के लिए नीचे से ऊपर ही जा रहा है, कि आपका मूलाधार खुलेगा, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, फिर आपका जो अनाहट होता है, हार्ट चक्र है यहाँ पे, वहां एक बार अगर आप अनाहट पे पहुंच गए, फिर आप नीचे नहीं जाते, फिर आपकी जर्नी ऊपर होती है, जैसे केबीसी में होता है ना, कि आपने एक पर्टिकुलर 25,000 कमा लिए तो आप नीचे नहीं गिरोगे, यहाँ पे भी ऐसा ही होता है कि अनाहट पे आ जाते, उसके बाद ऊपर की यात्रा होती। तो ये कैसे पता चलेगा कि हमारा ये चक्र खुल गया है या खुलने के लिए? जैसे जैसे आप साधना करोगे आपको अलग अलग अनुभव होंगे, और उन अनुभवों से गुरु को पता पड़ता है कि आप कौन सी स्टेज पे हो, कहाँ पर पहुंचे हो। तो
क्रिया योग की क्यों हम इतनी इंपॉर्टेंस देते हैं कि क्रिया की जो एक सांस होती है, सिर्फ एक सांस जो ली जाती है तरीके इस तरह से प्राणायाम, उसमें आपका 1 साल का एवोल्यूशन हो जाता है ब्रेन का। मतलब हम नॉर्मल धीरे धीरे हम लोग ऊपर चढ़ ही रहे हैं, सब लोग, बहुत धीरे प्रोसेस चल रहा है। तो क्रिया योग की साधना से सोचो आपका जो 1 साल में होगा वो आपका एक ब्रेथ में ऊपर हो जाएगा, उतना, सिर्फ एक ब्रेथ में उतना ऊपर चली जाएगी। तो परमहंस योगानंदा ने तो अपनी बुक में बहुत क्लियरली दिया है कि अगर आप क्रिया योग करते हैं, और देखिए ये मत सोचिएगा मैं बार बार क्रिया योग की बात कर रही हूँ कि आप लोग क्रिया योग करो, क्योंकि मैं क्रिया योगी हूँ इसलिए उसी की बात आएगी क्योंकि मैंने उसी से जाना है। तो उन्होंने दिया है कि डिपेंडिंग ऑन, अगर सपोज आपने कभी कोई साधना नहीं की है, लेट्स से आप पशु योनि से अभी अभी मनुष्य योनि में आए हैं और आपको कुछ भी नहीं पता, तो अगर आप क्रिया योग की साधना करते हैं तो आपको 48 सालों में ये ज्ञान हो जाएगा। 48 years इज वॉट इट विल टेक इफ यू डू दिस, विच टेक्स मिलियंस ऑफ लाइफ टाइम्स अदरवाइज। ओके, वो 48 years में हो जाता है, और डिपेंडिंग ऑन आपने पहले जो भी साधना की होगी तो 24, 12, 6 ऐसे वर्षों में वो हो जाता है। तो उसकी साधना करनी, सबको कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत होता है, ऐसा नहीं है कि सबके सब चक्रास क्लोज्ड होते हैं, थोड़े थोड़े सबके खुले होते हैं, पर ये होता है कि बहुत हल्के खुले हैं, लेकिन आप डिफॉल्ट कहाँ रहते हो उस पर डिपेंड करता है। तो वो तो जब आप, अगर आप साधना कभी कोई शुरू करोगे तब आगे पता लगेगा कि कितनी जल्दी मूव करोगे, कि वो कुछ स्पेसिफिक था या रैंडम, ऐसे नहीं बता सकते। ये टाइमिंग क्या होगी क्रिया योग कब से सीखने में सर? ओके, देखिए क्रिया योग के मैं बता देती हूँ 3 स्टेप्स हैं सीखने के। पहला होता है एक्सरसाइजेस, क्योंकि आपको, हम सबसे पहले भौतिक शरीर पे काम करते हैं, फिजिकल एक्सरसाइजेस हैं, 38 हैं, लेकिन उनको करने में एक बार आप सब सीख जाते हैं सिर्फ 18 मिनट लगते हैं उनको करने। और उसका मैंने क्या किया हुआ है, मैंने 4 वीडियोज बनाए हुए हैं, 1 to 10, 11 to 20, 21 to 29 एंड 30 to 38, और मैंने यूट्यूब पे डाला। एक्सरसाइज आप आराम से घर में अपना वो देख के सीख सकते हैं, और फिर आप तो पास में ही है, अगर आपका इंटरेस्ट होगा तो आप यहाँ पे आए और फिर मैं आपका कोई भी कुछ गलती हो रही होगी तो क्लियर कर दूँ। ठीक है, तो ऐसा होता है, आप शुरू करो पहले सेट से, जब आपकी 1 to 10 में आप कंफर्टेबल हो जाओ पूरी अच्छी तरह से, फिर आप 11 to 20 में जाओ, ऐसे करते करते पूरी 38 एक्सरसाइजेस सीख। जब आप वो सीख लोगे और आपको अच्छे से आ जाएंगी 1-2 महीने करने के बाद, फिर आप मेरे पास आओ, मैं आपको अगले प्राणायाम सिखाऊंगी। तो वो 5 प्राणायाम रहते हैं, वो प्राणायाम आप सीख के फिर उनको कम से कम 3 से 6 महीना प्रैक्टिस करो, बाकी आप शेयर करो अपने अनुभव क्या हो रहा है डिपेंडिंग ऑन, पर जनरली 6 महीना लगता है। और फिर अगर आप कमिटेड हैं कि आप क्रिया की दीक्षा लेना चाहते हैं, क्योंकि तो क्रिया का दीक्षा लेने का मतलब है शादी करना, बिल्कुल लिटरली, कि अब आप जो है कमिट कर रहे हैं अपनी जिंदगी की, आप जिंदगी भर इसकी प्रैक्टिस करेंगे। जैसे मैंने बोला कि आप एक ब्रेथ में 1 साल आपका एवोल्यूशन होता है, तो अगर आपने एक वो प्रोसेस शुरू कर दिया आपको उसको बीच में नहीं छोड़ना है, तो फिर आपको मतलब रोज आपको समय निकालना होगा क्रिया करने के लिए, वो बहुत जरूरी है। तो बस उसके बाद फिर आप 6 महीने के बाद अगर आप चाहो तो फिर मैं दीक्षा जो दी है वो फिर मैं आपको सिखाती हूँ, वो 1-on-1 सिखाती हूँ। और कुछ ज्यादा हो मतलब एक्सरसाइजेस यहाँ पे, और हमारा हर सैटरडे शाम को 7 से 8 ऑनलाइन सेशन रहता है जिसमें सब लोग इकट्ठे करते हैं एक्सरसाइजेस प्राणायाम वगैरह। हाँ और यहाँ पे भी आके करके इसे करने को पास है कुछ हाँ आते हैं स्टूडेंट यहाँ पे अभी ऐसे नहीं, पर मैंने ये रखा है कि जैसे सपोज 11 बजे से हमारा ये ओम का सेशन है, अगर आप 10 बजे से जल्दी आके अगर यहाँ पे अपना ध्यान करना चाहते हो या क्रिया की एक्सरसाइजेस, तो बिल्कुल कर सकते।